क्या पूछे गए थे? इफ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन प्रोटीन इज बाउंड टू द गिवन जीन इन क्रोमैटिन, विच टेक्निक वुड यू प्रेफर यूजिंग? सपोज हमारे पास में एक डीएनए है, मैंने क्या कहा कि भाई ये डीएनए का जो प्रमोटर रीजन है वो कहीं पे यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रमोटर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने कहा कि यहाँ पे एक -10 रीजन है, यहाँ पे -35 रीजन है। -10 पे टाटा बॉक्स है, वहाँ पे हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होगा। मैंने कहा पॉलीमरेज तो पीछे बाइंड होगा, यहाँ पे तो ये फैक्टर आएगा, आप मुझ पे क्यों विश्वास करोगे? मैम आपको कैसे पता कि -10 पे ही हमारा कोई फैक्टर आके बाइंड होता है? आपको कैसे पता कि यहीं पे हमारा पॉलीमरेज आके बाइंड होता है? तो प्रोटीन और हमारे इस जीन के इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पूछा गया है कि वो कौन सा टेक्निक है। ठीक है, अब ये जो जीन की बात की गई है, ये हमको क्रोमैटिन लेवल की बात की गई है। व्हाट दे आर टेलिंग, जीन इन दी क्रोमैटिन फॉर्म। इसका मतलब ये हमारा जो थ्रेड लाइक जीनोम रहता है उस लेवल की बात की जा रही है, नॉर्मल डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन नहीं पूछ रहा है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जीन और क्रोमैटिन पूछा जा रहा है। तो दिस मेथड यूज्ड हियर इज एक्चुअली चिप। चिप का मतलब ही होता है क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन असे। तो चिप को हम यूज करते हैं, चिप को यूज करके हम लोग प्रोटीन और क्रोमैटिन के इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे होते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे होता है जुन होता है, फॉस होता है, मिक होता है, ऐसे फैक्टर्स जाके डायरेक्टली इनको इंटरैक्ट करते हैं। तो इन इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए बच्चों हम लोग चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड एंटनर डोडर ऑफ पाथवे, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है किस चीज के? तो एक उन्होंने हमको HMP पाथवे दी है और एक तो एंटनर डोडर ऑफ पाथवे दिया है। होता ये है कि हम परफॉर्म करते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, एंड वी से दैट दिस ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल पाथवे, इट इज परफॉर्म्ड इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो बिल्कुल सही बात है, बट हमारे पास कुछ और भी पाथवेज है जो देखे जाते हैं कि इसको कुछ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। डीएनए सिंथेसिस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ना, इसका मतलब तो होता है रेप्लिकेशन। फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, नहीं, वो तो फिर आपके साइक्लिक चेन वो सारी बातें आ जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन सर्टन स्पीशीज, हाँ, क्योंकि जब ये पाथवे परफॉर्म होगी तो इन पाथवे से ही हम लोग ATP है, NADH है, इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीके से एनर्जी मेटाबॉलिज्म की पाथवे है। केमीओस्मोसिस इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट आंसर हियर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। तो याद रखना है क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐसे डिजाइन किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं कि आपको थोड़ा सोचने का मौका दे। रीड ऑल द ऑप्शंस, थिंक ऑफ ऑल द ऑप्शंस। जब आप पेपर को सॉल्व भी कर लेते हो ना, लुक फॉर द एनालिसिस। एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्या क्वेश्चंस अटेंड किए, लेंथी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चंस छोटे हैं तो जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, ओके, ये सारी बात आपको समझ में आएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर, इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ओरिसी साइट बिल्कुल पड़ेगी, अगर ओरिसी रहेगा तभी तो रेप्लिकेशन होगा, तभी तो जीन का एक्सप्रेशन होगा। सिलेक्शन मार्कर ऑफकोर्स चाहिए, अगर हमको जानना है कि क्या सच में सक्सेसफुली हमारा ट्रांसजीन बना है कि नहीं, क्या सक्सेसफुली हमारा जीन का इंसर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए बच्चों सिलेक्शन मार्कर तो बहुत जरूरी है, तो इसकी तो जरूरत है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफकोर्स, बिकॉज अगर आप कोई जीन इंसर्ट कर रहे हो तो किसी फायदे के लिए इंसर्ट कर रहे हो, और क्या फायदा होगा जीन इंसर्ट करके? तो जीन इंसर्ट करके ये फायदा होगा बच्चों कि उसका कुछ प्रोटीन है, उससे कुछ एंजाइम बनेगा जो हम चाहते हैं कि सामने वाले जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप इंसर्शन करोगे, हम चाहते हैं कि उनमें वो इंसर्शन हो, उसमें उसका एक्सप्रेशन हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट रहे, बिकॉज अगर RBS सीक्वेंस रहेगा तभी राइबोसोम बाइंड हो पाएगा और तभी हमको आगे का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो CMV प्रमोटर,
साइटोमेगालोवायरस प्रमोटर, इसका यहाँ पे एसिड कोई काम नहीं होता है इन दी प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर। तो जब भी आप क्वेश्चन में फंस जाओ, ट्राई दी एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है, नहीं पता, तो इतना तो पता है वेक्टर क्या होता है, काइंड ऑफ व्हीकल, जीन्स को ले जाने का काम करता है। हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको हम इस वेक्टर में इंसर्ट करके किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करवाते हैं। तो सोचो कि क्या क्या इनमें से चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट होगी जीन को एक्सप्रेस करने की, तो उसके अलावा जो चीज़ें बचती उसको आप लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मोस्टली आर मेड फ्रॉम, देयर आर सर्टेन साइटोस्केलेटन, है ना, क्या क्या होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, देन देयर आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एज वेल। अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, तो ये बना होता है एक्टिन से, जी एक्टिन से मिलके एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन बनता है। माइक्रोट्यूबुल्स किससे बनते हैं बच्चों, तो अल्फा और बीटा के डाइमर से, है ना। गामा जो रहता है उसका एक अरेंजमेंट रहता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ऐसे 13 गामा रहेंगे जो जहां से हमारा ये बनना स्टार्ट होगा, और उसको लाइन से अल्फा बीटा के डाइमर्स अटैच होते हैं। दैट इज हाउ दी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म। तो ये क्या होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स से मिलके बनता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज दी की रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ एन ओपेरॉन मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। पूछा गया है कि कौन सा है यहाँ पे रेगुलेटरी कंपोनेंट है। तो अगर मैं पहले ऑप्शंस की तरफ जाऊं, देखो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो रीजन है बच्चों जहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ये वो रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ जीन, यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लैक्टोसुपरॉन की, तो भाई लैक जेड है विच कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई है विच कोड्स फॉर लैक्टोस्पर्मीज, लैक ए है विच कोड्स फॉर ट्रांस एसिटिलेज, तो ये तो नहीं है ऑपरेटर वाला पार्ट, रेगुलेशन वाला पार्ट। टर्मिनल रीजन, यहाँ पे तो चीज़ें टर्मिनेट हो जाएगी, बट जो ऑपरेटर रहता है ये कौन सा रीजन है बच्चों, तो ये ऑपरेटर पे ही हमारा रिप्रेसर आके बाइंड होता है। रिप्रेसर के ऊपर कभी अगर इंड्यूसर बाइंड हुआ तो उसकी वजह से रिप्रेसर डिसोसिएट होता। तो ऑपरेटर इज द रीजन जहाँ पे हमारा मेजर रेगुलेटरी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपका लैक ओपेरॉन भी काफी हद तक रिवाइज हो गया होगा इस क्वेश्चन। तो रीड दीज क्वेश्चन केयरफुली, अगर आंसर समझ में नहीं आएगा तो आप ऑप्शन को देखो कि यार इसमें से क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है आप दो आंसर्स तक पहुंचो, फिर और थोड़ा सोचने की कोशिश करो, नहीं आता है स्किप करो, गलत नहीं मार्क करके।